आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। वैक्सीनेशन अभियान की पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा टीकाकरण के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण। बाईस से 14 साल के बच्चों का आज के से कोविड-19 टीकाकरण हुआ शुरू, भारी संख्या में परिजन अपने बच्चों को लेकर टीका लगवाने पहुंचे। भगवंत मान ने ली सीएम पद की शपथ, चारों ओर पीली पगड़ियों की बाढ़। राज्यों में सरकार गठन की कवायद तेज, पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, नौगाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, एहतियातन रेल यातायात स्थगित। भूपेश बघेल के निशाने पर कपिल सिब्बल बोले, जो लड़ नहीं वो लड़ाई के नियम बता रहे। प्रतिबंधी को खिलाफ रूस का कड़ा प्रहार, पुतिन ने बाइडेन समेत टॉप अमेरिकी अफसरों पर लगाया बैन। बिहार कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडे पर लगी मुहर, 14 जिला जज को दी गई जबरन रिटायरमेंट। चुनाव में हार के बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया। हिमाचल जोया मामा का नारा लगाने वाले चार भांजों पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग ने किया तबादला। अमेठी में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, पूर्व प्रधान समेत चार को पीट पीट कर मार डाला। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की डंपर से भिड़ंत, एक की मौत, 25 घायल। पेपर लीक मामले में विफल रही सीबीआई, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त हेलीपैड निर्माण पर विचार कर रही सीआरपीएफ, रात में लैंडिंग की सुविधा से होंगे लैस। गांधी परिवार के बचाव में उतरी शिवसेना, कांग्रेस के G23 धड़े को बताया सड़ा हुआ आम। यूपी में गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, होली के बाद भी 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा राशन, लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी। अमेठी में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, पूर्व प्रधान समेत चार लोगों को पीट पीट कर मार डाला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद उठाया कदम। ओमैक्स बिल्डर ग्रुप के ठिकानों पर 72 घंटे आईटी की छापे मारे, हाथ लगी कोड वाली सीक्रेट डायरी।
बिजनौर में बिजली के सामानों की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक। मुजफ्फरनगर के गांव छपरा में घेर में घुसकर पथराव, एक की मौत। यूपी विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, अति सुरक्षित वेल तक पहुंचे गैंगस्टर के सपा विधायकों, संग खिंचवाई फोटो। अलीगढ़ में कर्नाटक एचसी के फैसले पर एएमयू पूर्व उपाध्यक्ष का बयान, फैसला सामाजिक असंतुलन बढ़ाएगा, हमजा सुफियान ने दिया बयान। अलीगढ़ में नकल विहीन परीक्षा रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर, छात्रों पर रहेगी सीसीटीवी कैमरे की पैनी नजर। बांदा में गैस सिलेंडर फटने से हुआ दर्दनाक हादसा, 40 वर्षीय युवक की जलकर हुई मौत। एटा में जन नहीं थम रहा अपराध का ग्राफ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बनाई क्राइम कंट्रोल टीम। गाजियाबाद में गहरे गड्ढे को साफ करने के दौरान कर्मी की मौत, एक कर्मी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में महिला के अपहरण की सुनाई आपबीती, पत्रकार महिला का वीडियो किया वायरल। लखीमपुर खीरी में घर में अचानक लगी आग, आग से लाखों का नुकसान। संबल में पुलिस और बदमाश में हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। अलीगढ़ में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर मचा बवाल, प्रिंट बेकार आने पर सीमा, टाकेज में हुआ बवाल, पुलिस ने शांत कराया मामला। अमेठी जमीन विवाद में पूर्व प्रधान समेत चार लोगों की हत्या, पटीदारों ने आधा परिवार कर दिया साफ, पटीदारों ने आधा। औरैया में बाइक से गायब दिखी नंबर प्लेट, नंबर प्लेट पर बोल देना पाप, पाल साहेब आए थे लिख। बांदा में चुनाव परिणाम को लेकर लगी शर्त, अखिलेश यादव ने युवक को दिया चेक। बहराइच में अपना दल के नवनिर्वाचित विधायक पर जानलेवा हमला, हमले में विधायक रामनिवास वर्मा बाल बाल बचे। बहराइच में हाथियों के सड़क पर आने से लगा जाम, वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाली कराया। देवरिया में हैवानियत की शिकार हुई किशोरी, बदमाशों ने किशोरी के मुंह में डाला गोबर। फर्रुखाबाद में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, युवक पर लाठी डंडों से किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहपुर में किसान और लेखपाल आमने सामने, जमकर हुई तीखी नोकझोंक। कन्नौज में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, घर में मिला महिला का शव।
मानपुरी में त्योहारों से पहले प्रशासन अलर्ट, नवीगंज चौकी में पीस कमेटी की हुई बैठक। रायबरेली सपा ने घोषित किया उम्मीदवार, एमएलसी चुनाव के लिए वीरेंद्र यादव को बनाया प्रत्याशी। सिद्धार्थनगर में स्थानीय जॉब कार्ड धारक से मजदूरों का नाम गायब, रोजी रोटी के लिए बढ़ी स्थानीय मजदूरों की समस्या। रायबरेली में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी, 12-14 साल के बच्चों का शुरू हुआ टीकाकरण। बलिया में सपा ने घोषित किया उम्मीदवार, एमएलसी चुनाव के लिए घोषित किया प्रत्याशी, यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी को बनाया उम्मीदवार। गंगा नदी में खनन पर हाईकोर्ट उत्तराखंड ने लगाई रोक, राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने की कहा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाने वाले अकील ने खोला मोर्चा, 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बयान पर किया पलटवार। देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत की जयंती आज, उत्तराखंड ने किया अपने हीरो को याद। बारह से 14 साल के किशोरों को लगने लगा टीका, देहरादून में सबसे पहले वैष्णवी को लगी वैक्सीन। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर हरीश रावत ने फिर कही बड़ी बात, बोले कांग्रेस कहेगी तो कहीं और ढूंढेंगे आशियाना। नए सीएम की रेस में धामी अभी भी आगे, तैयार हो सकता है सरकार का खाका। दून मेडिकल कॉलेज में 462 उपनल कर्मियों की नौकरी पर संकट, 31 मार्च को हो जाएगी सेवा समाप्त। हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं में चयनित कंपनियों की बैंक गारंटी फर्जी, 11 निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीएनबी बैंक से किया 1,34,00,000 का गबन, कोर्ट ने बैंक अधिकारी सहित 7 को सुनाई सजा। साध्वी तृप्ता सरस्वती और साध्वी सुखजीत सरस्वती को मुहैया कराया सुरक्षा, हाईकोर्ट। कीटनाशकों से गंगा की सेहत के साथ जलीय जंतुओं पर खतरा, ओसीपी और ओपीपी की बड़ी मात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिया इस्तीफा, कहा चुनाव परिणाम के दिन ही छोड़ना चाहता था पद। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने निकाली जन आभार यात्रा, यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सुल्तानपुर पट्टी चौकी में संपन्न हुई अमन कमेटी की बैठक, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। पुलिस अधीक्षक ने किया कोतवाली का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तर कोरिया ने अज्ञात प्रोजेक्टाइल दागा लेकिन लॉन्च हुआ विफल।
पाकिस्तान में मिसाइल गिरने को अमेरिका की भारत को क्लीन चिट, पाक ने यूएन प्रमुख से जताया ऐतराज। यूक्रेन के सहयोगी देशों के खिलाफ रूस की कार्रवाई, बाइडेन जस्टिन ट्रूडो समेत अनेक शीर्ष नेताओं को किया प्रतिबंधित। रूस में लाइव शो के दौरान वहीं की कर्मचारियों ने किया विरोध, कोर्ट ने लगाया जुर्माना। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले 27 मार्च को इमरान खान की बड़ी रैली, पीटीआई सांसद ने किया बड़ा दावा। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा को लेकर फिर से विचार करने को मजबूर हुआ अमेरिका, बाइडेन की हो सकती है प्रमुख भूमिका। अगले हफ्ते यूरोप जाएंगे बाइडेन, कीव और खारकीव में गोलीबारी जारी। खारकीव में तहस नहस हुई, 600 इमारतें, मेयर ने दी जानकारी। चीन में कोविड रिटर्न के बाद शहरों में फुल लॉकडाउन, 5 करोड़ लोग घरों में कैद। पाकिस्तान के सीबी में भीषण बम धमाका, 4 जवानों की मौत, 10 घायल। जल्द मिलने वाली है पेट्रोल डीजल पर राहत, क्रूड ऑयल की कीमतों में पहली बार आई बड़ी गिरावट। सेंसेक्स निफ्टी की जबरदस्त शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी की जबरदस्त शुरुआत खुलते ही बाजार ने पकड़ी रफ्तार। आईपीओ से पहले धीमी पड़ी एलआईसी की ग्रोथ, प्राइवेट बीमा कंपनियां निकली आगे। देश की पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग शुरू, 10% की मिल रही छूट। अब भारत में चलेंगी हाइड्रोजन कार, टोयोटा शुरू करेगी पायलट प्रोजेक्ट, पेट्रोल से कम होगा खर्चा। लखनऊ की कबाड़ मंडी में भीषण आग, ताबड़तोड़ सिलेंडर ब्लास्ट से इलाके में दहशत, 2 झुलसे। लखनऊ में किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा, कार व डंपर की भिड़ंत में 3 की मौत, डंपर चालक फरार। लावा प्रोबडर्ट्स 21 TWS ईयरफोन लॉन्च, इसे खरीदने पर गाना म्यूजिक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रोटी खाना हुआ महंगा, रूस यूक्रेन युद्ध से 6 रुपए किलो महंगा हुआ आटा, मैगी के बाद अब बिस्किट की भी बढ़ी दामें। क्रिप्टो करेंसी बाजार में उछाल, एक करेंसी 3000% से ज्यादा बढ़ी। भारत की महिला वर्ल्ड कप में दूसरी हार, हीदर नाइट और शार्लोट डीन ने के दम पर इंग्लैंड का खुला खाता। सुरेश रैना की होने वाली है आईपीएल में एंट्री, रवि शास्त्री के साथ उस बार रही भूमिका में आएंगे नजर।
हरमनप्रीत कौर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, अंजुम चोपड़ा को पछाड़ा, बनाया नया रिकॉर्ड। पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा के बड़े बोल, कहा हम पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन कराएंगे तो कोई नहीं खेलेगा आईपीएल। आईपीएल में हुई वॉटसन की वापसी, दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच बने सेन वॉटसन, 2020 में लिया था आईपीएल से संन्यास। हार्दिक के आईपीएल खेलने पर सस्पेंड, फिटनेस टेस्ट के लिए एनसीए पहुंचे पांड्या, फेल होने पर टूर्नामेंट से हो सकते हैं बाहर। अवैध रूप से आईपीएल मैचों का प्रसारण करने वाली वेबसाइट पर हाईकोर्ट ने लगाया बैन। सुरेश रैना और रवि शास्त्री आईपीएल के 15वें सीजन से शुरू करेंगे नई पारी। राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च की अपनी टीम की नई जर्सी, रॉबी मैडिसन ने दिखाया खतरनाक स्टंट। हर्षल गिब्स ने रचा इतिहास, वनडे कप मैच में लगाए थे एक ओवर में 6 छक्के। करीना कपूर खान ओटीटी पर डेब्यू के लिए तैयार, नेटफ्लिक्स की फिल्म में आएंगी नजर। एक्टर अदीवी सेश ने शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को किया याद, वीडियो शेयर कर अर्पित की श्रद्धांजलि। दिशा परमार होली के रंगों से डरकर भागी, एक्ट्रेस ने चिल्लाते हुए दिए ये नसीहत। शाहरुख खान का नया बीटीएस वीडियो वायरल, पठान लुक में बीच पर वॉलीबॉल खेलते दिखे किंग खान। कपिल शर्मा ने सुबह 4 बजे बहाया जिम में पसीना, वायरल हो रहा है वीडियो। करणवीर वोहरा ने किया खुलासा, बोले मैं अपनी लाइफ में कर्ज में डूबा हुआ हूं, मेरी जगह कोई और होता तो अब तक सुसाइड कर लेता। विक्की कौशल स्टारर सैम मानकेशा की शूटिंग अगस्त में होगी शुरू, इस फिल्म के सेट से जुड़ी सभी तैयारियां हुई पूरी। अमिताभ बच्चन स्टारर रनवे 34 का टीजर आउट, खुद अजय ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी दी है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बोले इस टॉपिक पर हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम इस पर एक सीरीज बनाएंगे। तारक मेहता की बबीता जी ने कराया अब तक का सबसे ग्लैमर फोटोशूट, तस्वीर देख जेठालाल और टप्पू ने लगाया तगड़ा शॉक। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।